पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी का पलटवार इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, इसलिए इसे सही रूप से आधुनिक युग की प्रारंभ की देना उचित है। लियोनार्डो डा विंची, आर्चटाइपल रेनेसांस मैन, इसी काल में जीते थे। इस पॉलीमैथ, जिन्होंने कला और आविष्कारकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई, ने अपने लंबे और विविध करियर के दौरान कई शहरों में काम किया, लेकिन उनके फ्लोरेंस में बिताए वर्षों को शायद सबसे अद्भुत माना जाता है। डा विंची ने निश्चित रूप से पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के विचारों का उपयोग किया, लेकिन उनके समय से बहुत पहले के अपने आविष्कारों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिकांश उनकी प्राकृतिक अवलोकनों से उत्पन्न हुआ। इनमें उनके मानव शरीर के अध्ययन शामिल थे, जो मानव शव की विश्लेषण पर आधारित थे, जिसने कैथोलिक चर्च को आकर्षित किया। डा विंची के कार्य का एक और रोचक पहलू उनके उड़ान के अध्ययनों थे। हालांकि उनके अधिकांश विचार कभी भी नक्काशी तक नहीं पहुंचे, उनके कुछ योजनाएं बाद में परीक्षण के लिए आईं और यह पता चला कि वे वास्तविकता में कार्य नहीं करेंगे। डा विंची का सैन्य अभियंता के रूप में कार्य अधिक प्रासंगिक था। उनकी बहुत सारी युद्ध मशीनें आदेश पर बनाई गई थीं। उन्होंने कई उद्दीपक हमले और शानदार सुरक्षात्मक यंत्रों का विकसन किया। इनमें से कई को युद्ध के आधुनिक युद्ध साधनों के पूर्वकर के रूप में माना जाता है, लेकिन उनका प्रशिक्षण विज्ञान में ही नहीं उन्हें प्रसिद्ध बनाया। उनका प्रसिद्धिमान भी उनके कला की उपलब्धियों पर निर्भर है। उनके कलात्मक अध्ययन और विभिन्न विषयों की रेखा चित्रों के अलावा वह एक चित्रकार भी थे। उनके कई कार्य प्रसिद्ध हुए, जैसे कि मोनालिसा, कला के इतिहास में सबसे अच्छे जात कार्यों में से एक। लागोंडा का रहस्यमय हंसी युग का एक सच्चा परिचायक है। साथ है।